जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार मित्रों, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी रोचक और ज्ञानवर्धक चीज़ें प्राप्त होती रहती हैं। इसी क्रम में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, खासतौर पर आप लकड़ी का फर्नीचर खरीदने जा रहे हैं, तो किस दिन में आपको फर्नीचर खरीदने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको बहुत भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। फर्नीचर भले ही घर की बेहद आवश्यक चीज़ हो, जरूरी चीज़ का हिस्सा हो, लेकिन इसके इस्तेमाल में वास्तु के निर्देशों का पालन अक्सर नहीं किया जाता है। असल में फर्नीचर का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करके आप वास्तु खराब कर सकते हैं। इसलिए घर में फर्नीचर सेट करते समय आपको वास्तु के कुछ मूलभूत नियमों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि फर्नीचर से जुड़े हुए वास्तु के टिप्स क्या हैं। सबसे पहली बात, फर्नीचर या फर्नीचर बनाने वाली लकड़ी को किसी शुभ दिन ही आपको खरीद करके अपने घर में लाना चाहिए। मंगलवार, शनिवार और अमावस्या की तिथि में फर्नीचर कभी भी भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए। ध्यान ये रखना चाहिए कि फर्नीचर की लकड़ी किसी पॉजिटिव ट्री की हो, जैसे शीशम, चंदन, अशोक, सागवान, साल, अर्जुन या नीम। इनसे बने फर्नीचर हमेशा शुभ फल देने वाले ही होते हैं। हल्का फर्नीचर हमेशा नॉर्थ और ईस्ट में रखें और भारी फर्नीचर को साउथ और वेस्ट में रखना चाहिए। इस बात का ध्यान न रखने से घर पर पैसों का नुकसान निरंतर होता रहता है। घर में वुडवर्क का काम हमेशा साउथ या वेस्ट डायरेक्शन से शुरू कराना चाहिए और नॉर्थ और ईस्ट में आकर के खत्म करना चाहिए। ऐसा करना घर के लोगों की तरक्की के लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है। फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी को नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से न रखें। इससे फर्नीचर बनाने की प्रोसेस में देरी हो सकती है और मनी का फ्लो भी प्रभावित होगा। तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जब आप फर्नीचर के लिए लकड़ी खरीद के लाते हैं तो घर के उत्तर पूर्व और यानी उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, और इसके साथ साथ उत्तर पूर्व का कोना, जिसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर यानी ईशान कोण कहते हैं, इस जगह पर नहीं रखना चाहिए। इससे आपका काम भी रुकेगा, आपका जो फर्नीचर बनने का काम है उसमें भी बाधा आएगी, साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके आर्थिक स्रोत में भी दिक्कत आ सकती है। आपका धनागमन का जो साधन है वो भी प्रभावित हो सकता है। आप फर्नीचर में राधा कृष्ण, फूल, सूरज, शेर, चीता, मोर, घोड़ा, बैल, गाय, हाथी और मछली की आकृति बनवा सकते हैं। फर्नीचर पर हमेशा हल्की पॉलिश का इस्तेमाल करें, डार्क और डल पॉलिश निगेटिविटी फैलाती है। फर्नीचर के किनारे गोलाकार होने चाहिए। नुकीले किनारे न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि ये अशुभ ऊर्जा यानी खराब एनर्जी भी छोड़ते हैं। अगर आपका फर्नीचर छत से टकरा रहा है तो इसकी ऊंचाई आपको कम करवा देनी चाहिए। अगर बेड का हेडबोर्ड का डायरेक्शन जो है वो साउथ या वेस्ट में हो तो आपको हेडबोर्ड के सामने वाली दीवार को डेकोरेट करना चाहिए। इससे उस बेड पर सोने वाले का स्वास्थ्य जो है वो सदैव उत्तम रहता है। ऑफिस के लिए स्टील फर्नीचर का भी प्रयोग किया जा सकता है। ऑफिस में इसके इस्तेमाल से पॉजिटिव एनर्जी और पैसों का फ्लो सदैव बना रहता है। तो ऑफिस में स्टील का फर्नीचर लकड़ी के फर्नीचर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा शुभ है।
जरूरत से ज्यादा कॉर्नर्स वाले फर्नीचर को शुभ नहीं माना जाता, इसलिए कोशिश करें कि घर में कम से कम शार्प कॉर्नर वाले यानी तीखे कोने वाले फर्नीचर हो। जितने फर्नीचर हो उनके एजेस, उनके कॉर्नर्स जो हैं, अगर आप राउंड करा करके रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मित्रों, कुछ ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फर्नीचर के बारे में हम लोग अक्सर ध्यान नहीं देते। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान देकर के फर्नीचर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि आपका सौभाग्य कहीं ज़्यादा बेहतर होगा और आप उससे कहीं ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप जब भी वीडियो देखें, आपसे मेरा आग्रह है कि इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप सभी से आग्रह है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन सुखमय हो, मुझे आज्ञा दीजिए और आप देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। हमारी आपकी कल फिर इसी जगह पर इसी समय पर मुलाकात होगी। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146 9990724131 या फिर ईमेल करें शर्मा.वैभव@gmail.com पर।